हेलो दोस्तों, आज हम छल विश्लेषण की तरफ से इमराल्ड सॉफ्टवेयर की वीडियो लेके आए हैं। इमराल्ड सॉफ्टवेयर उन भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिनका शटरिंग का काम है, शटरिंग स्कैफोल्डिंग। उनके लिए ये सॉफ्टवेयर ब्रेक बदान के जैसे काम कर सकता है। वो इस सॉफ्टवेयर में अपना जो है काम बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं। जैसे उनका माल मटेरियल है जो वो पार्टी को छोटी से लेकर बड़ी बड़ी आइटम बहुत गिनती में इशू करते हैं, फिर वो रिसीव करते हैं, उनके बिल बनाने होते हैं, बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है वो। और कुछ आइटम ऐसी भी होती है जो मिस हो जाती है किसी पार्टी के पास, उसका पैसा वगैरह हम भूल जाते हैं। बट ये सॉफ्टवेयर आपको हर एक बात की जानकारी देगा, चाहे वो छोटी सी आइटम किसी के पास रह गई है या उसने तोड़ दिए, कुछ भी है, वो सभी कुछ सॉफ्टवेयर में आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में वर्क करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। जैसे जहाँ पे मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ दशमेश शटरिंग स्टोर, दशमेश स्टील शटरिंग स्टोर, आगे अपनी सिटी जैसे मैंने दिल्ली डाल दिया, आगे फोन नंबर जो भी अपने अपने डिटेल आपने डालनी है, ऐड करनी है जो सॉफ्टवेयर में वो ऐड कर सकते हो। आगे जहाँ पे हम जो अपना यूजर है वो क्रिएट कर लेंगे, जैसे मैंने 11 डाला, इसका पासवर्ड भी मैं 11 डाल देता हूँ। ऐसे करके मैं अपनी जो है फर्म कंपनी ओपन कर लूँगा। इसमें सबसे पहले मैं क्रिएट ए एटम करता हूँ, मास्टर में जाके एटम, एटम में सबसे पहले मैं जैसे बनाता हूँ चैनल, चैनल का मैंने साथ में इधर एक मेंशन कर दिया कि जो मेरे 10 फीट से लेकर 12 फीट तक चैनल होंगे उनका रेट मेरा सेम है। जैसे मैंने रेट सेट कर दिया 2 रुपये पर पीस, जहाँ पे मैं इसके साइज बना लूँगा। जैसे 10 फीट मेरे पास स्टॉक इसका है 120 पीस। उसके बाद मैंने फिर एंटर प्रेस किया, आगे 11 फीट वाला मेरे पास स्टॉक है 150 पीस। आगे मैं 12 फीट वाला मेरे पास स्टॉक है 200 पीस। ऐसे मैं आगे एंटर एंटर करके स्टॉक मेंटेन कर सकता हूँ। उसके बाद एक आइटम चैनल की और बनाता हूँ मैं चैनल, जैसे इधर मैं मेंशन कर लेता हूँ 13 फीट से लेकर 16 फीट। इसका मैं रेट सेट कर लेता हूँ जैसे 2.50 रुपये पर पीस। इधर मैं साइज बना लेता हूँ आगे 16 फीट, 16 फीट वाले मेरे पास हैं जैसे 140, 15 फीट ऊपर से नीचे, चाहे नीचे से ऊपर जैसे भी आपने सेट करना है सेट कर लोगे। ये मेरे पास 150। आगे मैं कर लेता हूँ 14 फीट, 14 फीट वाले मेरे पास हैं 130 पीस। और आगे कर लेता हूँ मैं 13 फीट, 13 फीट वाले मेरे पास हैं 100 पीस। ऐसे मैंने ये भी आइटम क्रिएट कर ली। एक और करता हूँ जैसे चैनल 17 फीट से लेकर 18 फीट, इसका मैं 3 रुपये रेट सेट कर लेता हूँ। इधर जाके मैंने 17 फीट, 17 फीट वाले मेरे पास हैं जो 80 पीस, और 18 फीट, 18 फीट वाले मेरे पास हैं जैसे मैं जहाँ पे 100 पीस दे देता हूँ। ऐसे जी आइटम क्रिएट हो गई। मोस्टली जो है
आठ फीट या सात फीट से लेकर 20 फीट तक के हमारे पास जो चैनल होते हैं, तो एक मैं और भी 20 फीट तक बना लेता हूँ चैनल 19 फीट से 20 फीट। इसका मैं रेट सेट कर लेता हूँ 3.5 रुपये। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके रेट हैं वो सेट कर सकते हो। जहाँ पे मैं 19 फीट ये मेरे पास स्टॉक में कर लेता हूँ सेट 70 पीस हैं, और 20 फीट ये मैं सेट कर लेता हूँ कि मेरे पास 100 पीसेज हैं। ऐसे मेरी आइटम 3 पीस वाली क्रिएट होगी। एक आइटम जैसे होती है जी हमारे बैंकों के पास लेजर, लेजर को जैसे मैं सेट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग से कुछ भी सेट कर सकते हो। मेरी लैग एग्जांपल है, जैसे मैंने इधर सेट किया कि 5 मीटर पर 5 मीटर मुझे 2 रुपये पर RMT होएंगे। अब पैरों से मैंने RMT सेट कर लिया जहाँ पे पीस की बजाय। अब जहाँ पे मेरे वही सेम बात साइज सेट हो जाएंगे, जैसे 2 फीट 3 फीट 4 फीट मेरे पास 100 पीस है, 4 फीट मेरे पास 120 पीस हैं। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। उसके बाद एक आइटम मैं और क्रिएट करता हूँ, जैसे प्लेट। जैसे मोस्टली प्लेट का रेट सेम ही होता है, आपने इसको भी चैनल के जैसे मतलब साइज के अकॉर्डिंग रेट सेट करना है वो चैनल जैसे कर सकते हो। नहीं ऑल का करना है तो ऑल भी सेट कर सकते हो आप इसमें। प्लेट में एक बात और होती है, कुछ हमारे भाई चाहते होते हैं कि जो प्लेट का है वो ना साथ में हमारा साइज भी मेंटेन हो जाए। सो मैंने क्या किया, यूटिलिटी में गया, ऑप्शन ओपन किया, ऑप्शन ओपन करके जहाँ पे मैंने दे दिया एंटर स्क्वायर फिट इन आइटम। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने न्यू किया साथ में एक विंडो और फिट वाली खुल गई, जहाँ पे मैं देता हूँ प्लेट। प्लेट का जैसे कोई भी हमने रेट सेट करना है जो भी, मैं इधर रेट सेट कर लेता हूँ प्लेट का 2 रुपये, 5 रुपये कर लिया मैंने पर पीस। जहाँ पे मैं आगे जो प्लेट का साइज बना लूँगा, जैसे 2x2 मेरे पास ये 4 फीट की 100 पीस है, आगे 2x4 ये मेरे पास 8 फीट वाले 120 पीस हैं, आगे मैं बना लेता हूँ 4x4 जे मेरे पास 16 फीट वाले 50 पीस हैं। ऐसे मैं अपने जे साइज और रेट सेट कर लूँगा। ऐसे आप अपनी आइटम को इस सॉफ्टवेयर में इजीली मेंटेन कर सकते हो। कोई आइटम आपने डिलीट करनी है, क्रिएट करनी है, वो भी यही विंडो में होएगा। जैसे मैं एक आइटम और बनाता हूँ जहाँ पे, जहाँ किसी आइटम को डिलीट करना है, ये देखो यहाँ पे गया मैं लिस्ट में, लिस्ट में जाके जिस आइटम को मैंने डिलीट करना है वो आइटम सेलेक्ट करूँगा। ये आगे मेरे पास लिस्ट, लिस्ट में जैसे ये चैनल का है, चैनल को किसी भी इसकी आइटम को मैंने डिलीट करना है, सो मैंने उसके ऊपर डबल क्लिक किया। जहाँ पे मैंने डिलीट की प्रेस के ऊपर जैसे प्रेस करूँगा जे जैस और नो पूछेगा, जैसे जैस करूँगा मैं तो ये आइटम डिलीट हो जाएगी। जहाँ इसमें कोई मॉडिफाई करना है मैंने, तो इधर ऐसे कुछ भी चेंज करके, जैसे मैं इसको कंप्लीट फिट लिख देता हूँ, तो एंटर मार के मैं इसको अपडेट कर दूँगा, सो मेरी आइटम एडिट होके मतलब मॉडिफाई हो जाएगी। ऐसे ये सॉफ्टवेयर में आप अपनी आइटम है जो इजीली मेंटेन कर सकते हो। तो इसके बाद जैसे आपने कैसे अपना स्टॉक है, किसी को इशू करना है, वो सभी वीडियो हमारी आगे इन फ्यूचर आने वाली है। सो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास हमारे को नोटिफिकेशन आए, आपको वीडियो के बारे में पता चलता रहे। सो थैंक यू सो मच, खुश रहो, तरक्की करो।